एक्सिस बैंक घोटाले के मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एक्सिस बैंक में 16 करोड़ रुपए के घोटाले करने के मामले में पुलिस अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सतीश वर्मा के कब्जे से पुलिस ने 1 करोड़ 1 लाख नकद बरामद किए हैं। इसके अलावा 2 करोड़ 34 लाख नकद जबकि 1 करोड़ 18 लाख रुपये राज्य के अलग अलग बैंकों में फ्रीज किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है, जिसमें कई और आरोपियों के नाम का खुलासा होने की संभावना है। भुजगंज थाना के में दर्ज एक्सिस बैंक फ्रॉड के संबंध में 5 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था जो रायपुर के रहने वाले थे। इसके अलावा 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से एक बैंगलोर का रहने वाला है देश निवास राव। इसके अलावा 2 आरोपी हैदराबाद के अरेस्ट हुए, सतीश वर्मा और साई प्रवीण रेड्डी। इन लोगों से 1 करोड़ 1 लाख रुपए की रकम बरामद हुई है। इससे पहले भी पुलिस ने जो अमाउंट सीज किया था 2 करोड़ 34 लाख रुपए कुल नकद रकम अभी तक।